फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है टू फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर इन एन फैक्टोरियल। सबसे पहले हम एन फैक्टोरियल का मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है। एन फैक्टोरियल का मीनिंग होता है एन से स्टार्ट करते हुए वन तक कंटिन्यूड प्रोडक्ट। जैसे थ्री फैक्टोरियल हो, थ्री टू वन। क्वेश्चन करेंगे टू फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ थ्री इन एन फैक्टोरियल। हमने यहां पर एन इज इक्वल टू टेन ले लिया है। टेन फैक्टोरियल में हम वैल्यू फाइंड करेंगे। टेन फैक्टोरियल मीन्स फ्रॉम टेन कंटिन्यूड प्रोडक्ट टिल वन। टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। अगर इसके प्राइम फैक्टर्स देखे जाएं तो उसमें थ्री की पावर कितनी आएगी, हम लोग ये फाइंड करना चाहते हैं। पावर क्या होती है? एक्सपोनेंट। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लास्ट में प्राइम फैक्टर की एक्सपोनेंट के बाद नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना, इसी से एसोसिएट करना सिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेन के फैक्टर्स टू इंटू फाइव, नाइन के फैक्टर्स थ्री इंटू थ्री, एट के फैक्टर्स टू टू टू, सेवन सेवन वन जा सिक्स, थ्री टू जा फाइव, फोर थ्री टू वन, सभी के फैक्टर्स फाइव, फोर के टू टू जा फोर, थ्री टू वन। अब हम यहां पर काउंट करते हैं हमारे पास टोटल थ्री कितने हैं। थ्री वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम। तो हमने ऑब्जर्व किया टेन फैक्टोरियल में थ्री फोर टाइम्स आएगा। ये तो हमने सिंपली ऑब्जर्व किया, लेकिन अगर हमारे पास हंड्रेड फैक्टोरियल हो या कोई बड़ी टर्म हो तो हम इतना फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, उसको सोल्व कैसे करेंगे, उसके लिए एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? आपको सबसे पहले नंबर को जिसका कि फैक्टोरियल है डिवाइड करना है थ्री से, जिसके आपको एक्सपोनेंट फाइंड करने हैं। थ्री से डिवाइड किया, आपको मिलता है 3.3। तो आपने इसमें से विदाउट डेसिमल जो पार्ट है, पूरा पूरा नंबर थ्री वो लेना है। आपने उसके बाद डिवाइड करना है टेन को थ्री की पावर टू, यानी कि नाइन से। नाइन वन जा नाइन, आपके पास वन रिमाइंडर बचता है, फिर से 1.1। तो विदाउट डेसिमल पार्ट कितना आया आपके पास? वन। अब की बार आपको डिवाइड करना है 10 को 3 की पावर 3 से। आप पावर्स बढ़ाते जाएंगे जब तक का आपके पास कोई नंबर नियर टू जीरो ना आ जाए। आप 10 को डिवाइड करते हैं 27 से, तो आपको मिलता है 0. अब हमने नंबर नहीं लेने हैं, तो आपने इन दोनों को ऐड कर देना है। 3 प्लस 1 दैट इज 4, 4 विल बी योर आंसर। तो आपको 3 की पावर कितनी मिलेगी? 4, एक्सपोनेंट 4 होगा। अब हम इसी क्वेश्चन को एक बार और कर देखते हैं। 100 फैक्टोरियल में 3 की पावर n, ये एक्सपोनेंट हमने फाइंड करना है। कैसे करेंगे? अभी पिछले क्वेश्चन की तरह से 100 को डिवाइड किया 3 से, 3 थ्री जा नाइन, वन रिमाइंडर थ्री, थ्री जा नाइन, 33.3 आने वाला है। तो मैं क्या करता हूं, 33 ले लेता हूं। अब आप डिवाइड करेंगे 100 को 3 स्क्वायर 9 से, 100 डिवाइडेड बाय 9, 9 वन जा 9, 1 आपके पास रिमाइंडर, 10, 9 वन जा 9, तो आपको मिलता है 11.1। आपने पूरा पूरा नंबर लेना है तो आप लेंगे 11। अब की बार आप डिवाइड करेंगे 100 को 3 की पावर 3 से, दैट इज यू हैव टू डिवाइड 100 बाय 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो 3 पॉइंट जो भी आने वाला है आपके पास। हम इंटरेस्टेड है केवल इंटीग्रल पार्ट में, डेसिमल पार्ट में हम इंटरेस्टेड नहीं है। लिखेंगे 3। अब आप डिवाइड करेंगे 100 को 3 की पावर 4 से, 3 की पावर 4 का मीनिंग क्या होता है? 81। तो आप डिवाइड कर रहे हैं 100 को 81 से, 81 वन जा 81, डेसिमल पार्ट आएगा आप छोड़ देंगे, इक्वल टू 1 आ गया। अब 81 के बाद आप जब अगली बार डिवाइड करेंगे 3 की पावर 5 से, 100 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5, दैट इज यू हैव टू डिवाइड 100 बाय 243। तो आपको 0. कुछ वैल्यू मिलने वाली है। तो ये तो हमारे लिए नहीं है। तो हमारे पास टोटल जो एक्सपोनेंट आएगा वो आएगा 33 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 1, 33 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 1, आपको ये वैल्यू मिलती है 44 प्लस 4 इक्वल टू 48। तो आपका एक्सपोनेंट आएगा 48।
सिमिलर पैशन में हम लोग क्या करेंगे, 50 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट फाइंड करेंगे, 50 फैक्टोरियल में 5 का एक्सपोनेंट फाइंड करेंगे, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना। और नंबर ऑफ जीरोज क्या होती है, नंबर ऑफ जीरो का मतलब होता है 10 एज अ मल्टीपल, और 10 एज अ मल्टीपल क्या होता है, 2 × 5। तो हम 2 और 5 दोनों के एक्सपोनेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन बड़ा इजीली किया जा सकता है। स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर m के लिए यू हैव टू डिवाइड 50 by 2, आपको मिलता है 25। यू विल डिवाइड 50 by 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 4 × 1 = 4, 1 और 0, 4 × 2 = 8। मैं केवल इंटीग्रल पार्ट लिख रहा हूं, डेसिमल पार्ट आते ही मैं छोड़ देता हूं। अब आप डिवाइड करेंगे 50 by 2 की पावर 3, दैट इज 8, 8 × 6 = 48, रिमाइंडर 2 = 0, डेसिमल पार्ट। अब आप डिवाइड करेंगे 50 को 2 की पावर 4 से, दैट विल बी 50 / 16, 16 × 3 = 48, अब डेसिमल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका, हम उसको छोड़ देंगे। अब आप डिवाइड करेंगे 50 / 2 / 5, दैट विल बी 50 / 32, = 32 × 1 = 32, फिर रिमाइंडर पार्ट आ जाएगा। वैसे भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब 1 पॉइंट कुछ आता है तो उसके बाद जो नंबर आएगा वो 0 पॉइंट में आएगा, तो हमको वहां से कोई भी नंबर नहीं मिल पाएगा। अब आप डिवाइड करेंगे 50 को 2 / 6 से, जो कि होता है 64, किसी काम का नहीं है, 0 पॉइंट। तो आपने 2 / 5 फाइंड करने के लिए किनको ऐड करना है, 25 + 12 + 6 + 3 + 1, लिख देते हैं सारा, 25 + 12 + 6 + 3 + 1। देखिए 3 × 1 = 4, 4 × 6 = 10, 10 × 12 = 17, 17 + 7 = 1, carry हो गया 1 × 1 = 2, 2 × 4, तो आपको यहां पर m की वैल्यू मिलती है 47। सिमिलर पैशन में हम लोग अब 5 का एक्सपोनेंट फाइंड करेंगे और फिर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। देखिए मैं मानता हूं 5 की पावर n होगी, देन यू हैव टू डिवाइड 50 by 5 एंड यू विल गेट 10। नाउ यू विल डिवाइड 50 by 5 / 2, दैट इज 50 / 25, 25 × 2 = 50। अब आपको डिवाइड करना है 50 by 5 / 3, आपको मिलता है 50 by 125, 0 पॉइंट कुछ, ये हमारे काम का नहीं है। तो आपको जो पावर मिलती है वो कितनी मिलती है, 10 + 2 = 12, दैट इज आपके पास n की वैल्यू आती है 12। अब 10 एज अ फैक्टर बनाने के लिए यहां पर है नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज का मतलब 10 एज अ फैक्टर। 10 एज अ फैक्टर का क्या मीनिंग होगा, 2 × 5, मतलब मुझको 2 भी चाहिए और मुझको 5 भी चाहिए टू क्रिएट अ सिंगल जीरो। अब मेरे पास 5 तो है 12 और 2 है 47, तो जो पेयर बनेगा 5 और 2 का वो कितना बनेगा, जो मिनिमम होगा, दैट इज 12 और 47 में से 12 जीरोज विल बी देयर इन 50 फैक्टोरियल।